हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। आई एम अम्बेश पांडे एंड टुडे आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द हिमालयास। हिमालय के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको और लोगों तक भेजें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अविरल धारा बाई अम्बेश JNU। तो ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो स्क्रीन पर दी हुई है। आगे अब हम बात करेंगे हिमालयाज की। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिमालयाज जो हैं वो क्या हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं। इन सारी चीज़ों, इन सारे सवालों के जवाब पढ़े जाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो अगर आप देखें यहाँ पर इस पिक्चर को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये रेड कलर की लाइन्स हैं, दीज रेड कलर लाइन्स आर एक्चुअली द रेंजेस ऑफ हिमालया, और यू कैन से कि यही सारी हैं जो पहाड़ियां हैं हिमालया की हैं। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, ये डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो पामीर पामीर नॉट है, या जिसे हम पामीर की पहाड़ियां कहते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं पामीर नॉट या पामीर की गांठ, ऐसा इसको हिंदी में कहा जाता है। यहाँ से इधर साइड मतलब पाकिस्तान की अफगानिस्तान की तरफ हिंदुकुश पहाड़ियां निकली हुई हैं, चीन की तरफ कुनलुन माउंटेन्स या कुनलुन पर्वत निकले हुए हैं। ओके, उसके नीचे आप देखेंगे काराकोरम है, काराकोरम रेंजेस हैं, काराकोरम की पहाड़ियां, लद्दाख है, जास्कर है, और जास्कर के पैरेलल ही एकदम आप देखेंगे नेपाल की तरफ यहाँ पर कैलाश रेंजेस हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक ऊपर का हिमालय है जो हिंदुकुश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सब मिला करके एक हिमालय बनता है। उसके बाद एक आप देखेंगे ये जो है वो पूरी की पूरी एक ऐसे लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर फैली हुई है ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ, या आप कह सकते हैं वेस्ट से लेकर के पश्चिम से लेकर के ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ। तो ये जो है आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, इट इज ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय है। उसके नीचे फिर ऐसे टूटी फूटी पहाड़ियां हैं जिनको हम बोल सकते हैं ये आपकी मिडिल हिमालयाज हैं, और सबसे नीचे आपकी शिवालिक हिमालयाज या लेसर हिमालयाज, ये पहाड़ियां हैं। ओके, तो अगर आप हिमालय के बारे में टोटल बात करो तो जहां तक मुझे लगता है कि हिमालय को आप लार्जली जो है वो चार पांच पार्ट में, आप कह सकते हैं पांच पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। यू कैन डिवाइड हिमालय इनटू फाइव पार्ट्स एंड यू कैन स्टडी फॉर योर एग्जाम। सो द फर्स्ट वन इज योर ट्रांस हिमालय, जो आपका ट्रांस हिमालय है वो पहला है जिसमें कौन कौन सी पीक्स आ रही हैं, आपका ये जो हिंदुकुश आ जा रहा है, फिर आपका जो है वो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सब ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। ट्रांस हिमालय मतलब जो हिमालय सबसे पहले बना, जिसका फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ, लगभग 7 करोड़ साल पुराना इसको बोला जाता है। इसके बाद का जो हिमालय है मतलब ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंजेस, ये सारे के सारे काफी बाद में बने हैं, इस बात को याद रखिएगा, ये सब काफी बाद में बने हैं। ओके, तो कहा यह जाता है कि जो ग्रेटर हिमालय है वो ओलिगोसीन पीरियड में बना, मिडिल हिमालय मायोसीन पीरियड में बना, और आपका जो शिवालिक हिमालय है वो प्लायोसीन पीरियड में बना। तो ये तो हो गई ब्रॉड डिवीजन की बात, बड़े डिवीजन की बात। फिर एग्जाम के लिए हम इधर के पूर्वांचल साइड का जो हिमालयन पार्ट है जिसमें आपका पटकाई भूम, नागा, ये सारे हिल्स आते हैं, इनको एक सेपरेट पार्ट बना करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो टोटल पांच पार्ट हो गए, आप देखिए ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, और फिर उसके बाद ये आपका पूर्वांचल हिमालय। अगर हम इस तरीके से इसका डिवीजन करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए काफी आसान होगा। ओके, तो अब इसके बाद जब आगे हम हिमालय के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एकदम आसान सी बात है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि हिमालय जो है वो कैसे एक्सटेंड हुआ है। हिमालय इज एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट, मतलब पश्चिम से लेकर के इधर आपके पूर्व की तरफ हिमालय फैला हुआ है,
और ये लगभग यहाँ से लेकर के पश्चिम से पूर्व की तरफ जो हिमालय फैला हुआ है टोटल एक आर्काइक फॉर्म में, एक आर्क के फॉर्म में, ठीक है, एक चाप के तरीके से फैला हुआ है। लगभग ये 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर ये लंबाई में फैला हुआ है। कहाँ से? ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ स्टार्ट ये हुआ है पामीर की नॉट से। ये जो पामीर का प्लेट्यू है इसे हम पामीर का पठार कहते हैं, इसके पास से शुरू होकर के इधर की तरफ मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ एक आर्क के फॉर्म में हिमालय 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इट इज एक्सटेंडेड अराउंड 2500 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। ओके, अब इसकी चौड़ाई की बात करें तो बोला ये जाता है कि इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है, मतलब नॉर्थ टू साउथ। इसकी जो विड्थ है, विड्थ ऑफ हिमालय इज अराउंड 400 किलोमीटर, एंड दिस विड्थ कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस ईस्टवार्ड। जब आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे हिमालय जो है वो पतला होता गया है। पश्चिम की तरफ जहाँ 400 किलोमीटर के करीब, अराउंड 400 किलोमीटर्स, इसकी ये कह सकते हैं जो मोटाई है वो धीरे धीरे जा करके लगभग 160 किलोमीटर ही तक रह गई है। यहाँ पूर्व की तरफ इसकी मोटाई कितनी? लगभग 160 किलोमीटर तक ही रह गई है। तो आप देखिए कि कितना अंतर आने लगता है जब पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय में जाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय बना कैसे, इससे रिलेटेड कई बार स्टेटमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो हिमालय इज बेसिकली कॉल्ड ए फोल्डेड काइंड ऑफ माउंटेन, एक वलित पर्वत है हिमालय, और वलन की प्रक्रिया के द्वारा, फोल्डिंग के प्रोसेस के द्वारा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। अब फोल्डिंग का प्रोसेस क्या है, इसके लिए आपको जो है वो मेरी जियोमॉर्फोलॉजी की वीडियोस जो है वो देखने पड़ेंगी। अभी मैं सिंपल सा इतना बता देता हूँ कि इधर साइड में जो यूरेशियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट इधर से आई, और इधर साइड में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। ये जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। सो व्हेन यूरेशियन प्लेट एंड दिस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों जब एक साथ टकराई, सो बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ दीज प्लेट्स, जो यहाँ पर एक सी था जिसको टेथीस सी बोलते थे, जो ये बीच में यहाँ पर जो है एक समुद्र था जब हिमालय नहीं था, जिसको टेथीस सागर बोलते हैं। टेथीस सागर का जितना भी मलबा था धीरे धीरे वो क्या हुआ, वलित हो गया। वलित हो गया मतलब जो दोनों तरफ से दबाव खूब ज्यादा पड़ा, इधर से भी और इधर से भी, उत्तर दक्षिण से। तो बीच का मलबा एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ऊबड़ खाबड़ जो है वो क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, और वही जो है वो हिमालय के पर्वत बने, हिमालय। सो दिस वे हिमालयन माउंटेन्स वाज फॉर्म्ड। सो इट इज रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग दैट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ दीज यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये हिमालय के ओरिजिन की बात हो गई। फिर जब हिमालय की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हिमालय यहाँ पर लगभग जो है वो नंगा पर्वत के पास से एक यू टर्न लेता है, और हिमालय जो है एक यू टर्न लेता है इधर साइड में नामचा बरवा के पास। तो हिमालय जो इंडिया के अंदर है, इंडियन हिमालय, वो फैला हुआ है नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा के बीच में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, नामचा बरवा के पास से ये यू टर्न लेकर के पूर्वांचल की पहाड़ियां हो जाती हैं। यहाँ पर पूर्वांचल हिमालय जिसको आप कह सकते हैं, इसमें नागा, पटकाई बूम, मिसमी, ये सारे हिल्स आ जाते हैं। और हिमालय को जब आप देखेंगे इधर साइड तो ये नागा, मिसमी, पटकाई बूम, म्यांमार में आकर के यही अराकन योमा हो जाता है। तो ये अराकन योमा की पहाड़ियां इधर हो गई हैं। इधर आप देखेंगे पामीर के नॉर्थ से चीन की तरफ कुनलुन माउंटेन्स निकले हैं, वहीं पर अफगानिस्तान की तरफ यहाँ पर हिंदू कुश हैं, इसको याद रखिएगा। यही जाकर के पाकिस्तान में सुलेमान और कीर्थर रेंजेस हो गई हैं। तो पामीर से ही निकली हुई लगभग ये सारी की सारी पहाड़ियां हैं। ऑल दिस माउंटेन सिस्टम हैज इट्स रूट इन पामीर, पामीर ही इन सारे सारे पहाड़ियों की जड़ है, इस चीज को याद रखिएगा। अब इन सारे हिमालयाज में से ट्रांस हिमालय जो है जिसका पार्ट है काराकोरम,
लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सबसे पुराना है। ये आपका ट्रांस हिमालय जो रीजन है ये ओल्डेस्ट है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इस तरीके से आप हिमालय को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिए। तो ये हो गई बात हिमालय की। ओके, तो अब बात करते हैं काराकोरम रेंजेस की। काराकोरम जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काराकोरम जो है यहाँ पर लोकेटेड है। सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा ये काराकोरम रेंजेस हैं। काराकोरम रेंजेस को स्पाइन ऑफ एशिया या एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो K2 गॉडविनास्टिन है। ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इस चीज को याद रखिएगा। ये जो एरिया है इसको बोला जाता है कि ये पार्ट है पीओके का। तो ये जो है एक्चुअली लोकेटेड है, जो ये स्थित है वो गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और सदर्न जिनजियांग पार्ट में, लगभग इसके कुछ भाग आते हैं। और ये जो है वो माउंट केटू जो इसकी पीक है, इसको पाकिस्तान में शाहगोरी के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ की जितनी भी पीक्स हैं उनकी हाइट लगभग 8,000 मीटर के ऊपर है, 8,000 मीटर के ऊपर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काराकोरम से आप देखेंगे बहुत सारे, मतलब काराकोरम ही नहीं, ट्रांस हिमालयन रीजन से ही बहुत सारे ग्लेशियर निकलते हैं जो कि रिवर्स के लिए सोर्स ऑफ वाटर बनते हैं, जिसमें आपका हिस्पार, बालतोरो, सियाचिन, बेयाफो, ये सारे ग्लेशियर हैं। सियाचिन ग्लेशियर को बोला जाता है कि ये सबसे लंबा ग्लेशियर है, लगभग 72-73 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। इसको लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन भी ऐसा कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आप जब इसकी बात करते हैं काराकोरम की, तो यहाँ की जितनी भी पीक्स है मैंने बता दिया कि वो सारी की सारी क्या है, 8,000 के मीटर के ऊपर है, किलोमीटर नहीं है, मीटर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ग्लेशियर्स हैं। तो ये सारे बहुत ही कॉमन पॉइंट्स हैं। अब उसके बाद बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख बस उसके नीचे ही है। लद्दाख बहुत लोग घूमने जाते हैं, आपने बुद्धिस्ट मोंग्स और ये सारी चीजें देखी होंगी मूवीज में, आपने लद्दाख की बहुत सारी ट्रिप देखी होगी। तो लद्दाख में क्या इंपॉर्टेंट है उसको अभी डिस्कस करते हैं। लद्दाख आप सबसे पहले देखिए कि ये लोकेटेड कहाँ पर है। इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ काराकोरम रेंजेस। इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ काराकोरम रेंजेस। और ये जो है बोला जाता है इसको कि ये एक्सटेंशन है तिब्बत का, और तिब्बत में ही इसी के एक्सटेंशन को, जो ये आपकी लद्दाख रेंजेस हैं, इनको कैलाश रेंजेस बोला जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रिवर इंडस है, जो सिंधु नदी है, अब इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो सिंधु नदी है वो बह किसके बीच में रही है, लद्दाख और जास्कर के बीच में। जो ये आपकी लद्दाख और जास्कर रेंजेस हैं इसके बीच में इंडस रिवर, यहाँ पे आप देखिए ये सिंधु नदी इसके बीच से होकर के बह रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सिंधु रिवर है, जो इंडस रिवर है, वो किन किन रेंजेस के बीच में होकर के बहती है। सो इट फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर, दैट हैज कट ऑफ दीज रेंजेस एट मैनी प्लेसेस। इसने इन सारी पहाड़ियों को बहुत सारी जगहों पे काटा हुआ है। और आप देखेंगे कि लद्दाख जो है वो ब्यूटीफुल है ही, बट एक कोल्ड डेजर्ट रीजन है। यहाँ पर जो है यहाँ की जो भेड़े हैं उनकी जो पश्मीना वूल है, जो पश्मीना ऊन है, उसके लिए लद्दाख बहुत ही फेमस है। और बोला जाता है यहीं का जो लेह टाउन है उसको इंडिया की सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र में माना जाता है। मीन्स लेह इज द एरिया दैट गेट्स लोएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। बोला जाता है यहाँ का जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है, मतलब औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितनी कम बारिश लगभग होती है। ओके, ये तो हो गई हमारी बात लद्दाख की। अब बात करते हैं जास्कर रेंजेस की। तो जास्कर रेंजेस जो है ये लद्दाख के भी साउथ में लोकेटेड हैं और ये सबसे क्लोज हैं ग्रेटर हिमालय के। तो अगर आप देखेंगे इनके सीक्वेंस को भी कई बार नॉर्थ टू साउथ एग्जाम में पूछा जाता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद ग्रेटर हिमालय।
फिर मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय आप यहाँ देख सकते हैं कई पार्ट में फ्रेगमेंटेड है, टूटा हुआ है, तो इसकी भी एक आध पीक का नाम दे सकता है, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ की भी जो हाइट है एवरेज हाइट, वो लगभग 6,000 मीटर, अराउंड 6,000 मीटर इज द एवरेज हाइट ऑफ दिस रीजन, और इसकी लेंथ जो है वो 200 किलोमीटर तक है। ये जास्कर के बारे में कुछ कुछ चीजें हैं, आप इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करना, जास्कर ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जास्कर एक रिवर भी है जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, इस चीज को याद रखिएगा। जास्कर से निकलती है, जास्कर एक पहाड़ी भी है, जास्कर एक नदी भी है, लद्दाख और जास्कर के बीच में आपकी जो सिंधु नदी है ये बह रही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को आप जो है वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, रिकॉल करिएगा, याद करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे अभी डिस्कस करते हैं मेन हिमालयन रीजन के बारे में, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको अब देखते हैं। ओके, इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ग्रेटर हिमालय है वो किस तरीके से फैला हुआ है। यहाँ पर ये नंगा पर्वत जो है इसके आसपास से लेकर के नामचा पर्वत तक, मीन्स बिटवीन नंगा पर्वत एंड नामचा पर्वत, इट इज एक्सटेंडेड बिटवीन दिस नंगा पर्वत विच इज लोकेटेड समवेयर हियर एंड नामचा पर्वत, जिसके पास से एक हेयर पिन टर्न लेता है और ब्रह्मपुत्र इसी के आसपास से इंडिया में एंट्री मारती है। तो यहाँ पर नामचा पर्वत आपका ये हो गया, और इधर साइड में नंगा पर्वत के बीच में ये लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, 2400-2500 किलोमीटर की लंबाई में लगभग फैला हुआ है। यहाँ की जो एवरेज हाइट है वो आपकी लगभग 6,000 मीटर है, 6,000 मीटर, ये याद रखिएगा, किलोमीटर नहीं है। ओके, तो 6,000 मीटर यहाँ की एवरेज हाइट है। माउंट एवरेस्ट जो है इस रेंजेस की यहाँ की हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपकी लोकेटेड है नेपाल में, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर इज द हाइट ऑफ दिस पीक माउंट एवरेस्ट। और यहाँ की जितनी भी पीक्स हैं, आप ये समझोगे ऑल द पीक्स आर मोस्टली स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है वो लगभग बर्फ से ढकी होती हैं, जिसके कारण से काफी ठंडी होती है, और इसको जो है वो हिमाद्री हिमालय भी बोला जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो हिमाद्री हिमालय ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ की जो माउंटेन पीक्स हैं जैसे मैंने बताया माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में और तिब्बत में ये फैली हुई है, तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा भी बोलते हैं, और उसके बाद कंचनजंगा, जिसको कंचनजंगा भी बोला जाता है, ये यहाँ की एक और इम्पॉर्टेंट पीक है, आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो कि पार्टली नेपाल में है, जिसका कुछ भाग नेपाल में है, कुछ भाग जो है वो इंडिया में है, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी पीक्स हैं यहाँ पर, जैसे नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, त्रिशूल हो गया, ये सारी पीक्स इस वाले ग्रेटर हिमालय वाले पार्ट में हैं, मतलब ग्रेटर हिमालय जो है वो इंडिया में पूरा एकदम कंटिन्यूअसली वेस्ट टू ईस्ट आप यहाँ देखेंगे ये लगातार कंटिन्यूअस फैला हुआ है, इसमें ब्रेक नहीं है, ये पहाड़ियां जो है वो, ये पर्वत जो है पहाड़ियां नहीं है, ये टूटे फूटे हुए नहीं है। उसके कंपेरिजन में आप जब मिडिल हिमालय को देखेंगे, मध्य हिमालय को आप देखेंगे, तो मध्य हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो सारी टूटी फूटी हुई पहाड़ियां हैं, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं पिक्चर में कि जो मिडिल हिमालय है उसकी पहाड़ियां क्या है, फ्रेगमेंटेड हैं, वो जगह जगह से टूटी फूटी हैं, वो एक कंटिन्यूअस में नहीं है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, एक कंटिनम में नहीं है। तो आप देखोगे मिडिल हिमालय जो है आपका, जिसको कभी कभी लेसर हिमालय भी बोला जाता है, तो मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय कहा जाता है, मैंने शायद एक बार वीडियो में शिवालिक को लेसर ऐसा कुछ बोल दिया था, तो मुझे उस बात के लिए क्षमा करिएगा, इसको लेसर हिमालय कहते हैं या इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, मिडिल हिमालय को ही, तो मिडिल हिमालय इज ऑल्सो नोन एज हिमाचल हिमालय। यहाँ की जो एवरेज हाइट है अराउंड 3,500 to 4,500 है, 3,500 से 4,500 मीटर के बीच यहाँ की हाइट है, और यहाँ पर इंडिया के बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट आप देखोगे एटलस पे, आप देखिए लोकेटेड हैं, जिनमें अगर मैं कुछ का नाम लूँ तो जैसे शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, डलहौजी हो गया, धर्मशाला हो गया, ये सब कहाँ पर हैं, ये सारे के सारे हैं आपके हिमाचल प्रदेश में,
शिमला, कुल्लू, धर्मशाला, ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में हैं। मतलब इधर जहाँ पर हिमाचल प्रदेश आपका लोकेटेड है, इस जगह के लगभग आसपास जो है ये सारे हैं। उसके बाद मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में है। फिर दार्जिलिंग है, वो वेस्ट बंगाल में है, इसके आसपास लगभग जो है। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि यहाँ के हिल स्टेशन है। इट इज मिडिल हिमालय इज वेरी फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशन। अपने हिल स्टेशन के लिए बहुत ही, अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही फेमस है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मिडिल हिमालय से रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर सीक्वेंस पूछ सकते हैं मिडिल हिमालयाज की, कि जो यहाँ की मिडिल हिमालय की पहाड़ियां हैं उनका सीक्वेंस क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। तो याद रखिएगा, यहाँ पर मैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पीर पंजाल। तो मिडिल हिमालय की सबसे इधर साइड की जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी हैं, पीर पंजाल हैं। पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में यहाँ पर, थोड़ा कलर 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 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी, जो यहाँ है ये जगह जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में कश्मीर वैली आपकी लोकेटेड है। फिर पीर पंजाल के बाद यहाँ पर रेंजेस हैं जिनको बोलते हैं धौलाधर रेंजेस। तो ये आपकी धौलाधर हो गई। फिर उसके बाद आपकी जो रेंजेस हैं उसमें जैसे नागाटिब्बा हो गई रेंजेस, फिर उसके बाद मसूरी हो गई, उत्तराखंड में आपकी मसूरी हो गई, मसूरी हिल स्टेशन है बहुत फेमस है आपको पता होगा। फिर कुमायूं हिल्स हो गए वहीं पर ही, उसके बाद नेपाल में यही रेंजेस महाभारत रेंजेस हैं। फिर उसके बाद इनको डुडुआ या चुरिया मुरिया उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जैसी ऐसी कुछ जगहों पे जाना जाता है इनके नाम से। तो आप ये देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है, पीर पंजाल, धौलाधर, नागा टिब्बा, मसूरी, कुमायूं, महाभारत, डुडुआ, चुरिया मुरिया, इस तरीके से ये लगभग जो है वो कंटिन्यूअसली कहाँ पर फैली हुई हैं, बीच में फैली हुई हैं, वेस्ट टू ईस्ट। तो मिडिल हिमालय कंटिन्यूअस नहीं है लाइक ग्रेटर हिमालय। ये क्या है, ये टूटी फूटी पहाड़ियां हैं, मतलब अलग अलग पहाड़ियां हैं। इसकी जो फोल्डिंग हुई, जो वलन की प्रक्रिया हुई, वो अलग अलग टाइम में हुई। अब आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि पोखरा वैली कहाँ पर लोकेटेड है, पोखरा घाटी कहाँ लोकेटेड है, और वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो फूलों की घाटी कहाँ पर लोकेटेड है। इस पॉइंट को ट्रेस करके मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। और फिर जो है वो अगर आप नहीं बता पाते हैं तो मैं इसको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद जो डिस्कस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, मिडिल हिमालय तो हम लोगों ने लगभग डिस्कस कर लिया है, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कुछ जो ग्रासलैंड्स यहाँ पर मिलते हैं मिडिल हिमालय के आसपास, उसको डिस्कस करने के बाद फिर आगे चलेंगे लेसर हिमालय की तरफ। तो आपने सुना होगा मर्ग के बारे में, जैसे गुलमर्ग है आपका, सोनमर्ग है, मर्ग क्या होते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जो हिमालय का ये रीजन है इसके बीच बीच में कहीं पर बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रासलैंड्स हैं। मतलब मिडिल हिमालय के आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर घास भूमियां हैं, ग्रासलैंड्स हैं, जिनको मर्ग बोला जाता है। तो मर्ग क्या है, ये घास भूमियां हैं, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में काफी फैली हुई हैं। तो इनको गुलमर्ग, सोनमर्ग, इनके नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में इन्हीं को, तो यहाँ पर गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर के आसपास, इनको मर्ग के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं पर उत्तराखंड के आसपास दीज आर कॉल्ड पयार और पुग्याल, दीज आर कॉल्ड पयार आर पुग्याल, तो ये याद रखिएगा। और जो यहाँ पर घाटियां हैं, जो वैलीज हैं इसके नीचे, दून वैलीज के बारे में भी अभी बात करेंगे, इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि दून वैली जो है वो लगभग शिवालिक हिमालय का पार्ट है। तो ये मिडिल हिमालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब अगली जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। तो अब शुरू करते हैं शिवालिक हिमालय। ओके, तो अब बात करते हैं शिवालिक के बारे में। तो आप देखेंगे शिवालिक जो है ये सबसे नीचे के हिमालय है, सबसे सदर्न हिमालय है, ठीक है। सो सदर्न हिमालय आर शिवालिक्स, और शिवालिक जो है इसको आउटर हिमालय भी बोला जाता है। अब ये बोला जाता है कि जब ये हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, ट्रांस हिमालय, और
और ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, व्हेन ऑल दीज वर फाउंड मैनी माइटी रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड ऑल अदर ओरिजिनेटेड। और ये जब इनका गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियां बहुत सारी बन गई, तो ये नदियां नीचे की तरफ क्या करती थी, सेडिमेंट लेकर के आती थी। ऑल दीज रिवर्स कैरीड सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट नीचे की तरफ आ आ करके जो पीडमोंट, जो पर्वत के नीचे की जमीन होती है, मतलब अगर आप मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ है और यहाँ से कोई नदी निकल रही है, तो नदी अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर के आती है, सेडिमेंट, और उस सेडिमेंट को नीचे की तरफ ऐसे जो पर्वतपात देश होता है, फुट हिल रीजन होता है, वहां पे डाल देती है। और आप सोचो कि कोई जोर से, बहुत जोर से फोर्स लगे, इधर साइड से बल लगे और उधर से बल लगे, और बाद में ये मलबा भी जो है वलित होकर के पहाड़ियों में परिवर्तित हो जाए, तो क्या होगा? तो पहाड़ियां ही बनेगी, क्योंकि ये मलबा पहाड़ियों में ही परिवर्तित हुआ है। तो हिमालय एक्चुअली क्या थे, ये जो यहाँ के रिवर्स थी, जो सेडिमेंट लेकर के आती थी, नीचे डालती थी, वही सारे सेडिमेंट फिर से रीफोल्डिंग हुई, फोल्ड होकर के फिर से माउंटेन का फॉर्मेशन किए, पर्वतों का निर्माण किए, जिसके कारण से छोटी छोटी पहाड़ियां बनी यहाँ पर एकदम सदर्न साइड में, जिनको शिवालिक बोला गया। तो यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं ये बनी हुई है फ्लूवियल डिपॉजिट से, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से, जिनमें सैंड, क्ले, ग्रेवेल, स्लेट, ये सारी चीजें हैं, मतलब कि मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर, इन सारी चीजों के जमा होने से और दबाव दोनों तरफ से पड़ने से इनका निर्माण हुआ है। और इनकी जो एवरेज हाइट है वो 900 से 1200 मीटर के बीच में है, मीन्स एवरेज हाइट इज बिटवीन 900 टू 1200 मीटर। और यही पहाड़ियां आगे जाकर के गोरखपुर वगैरह में फैली हुई हैं। तो डुडवा, चुरिया, मुरिया, इसको जो है वो कुछ कुछ किताब में लिखा गया है कि मिडिल हिमालय का पार्ट है, कुछ कुछ किताब में शिवालिक हिमालय का पार्ट है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको शिवालिक हिमालय में मान करके चलिए। फिर जो शिवालिक हिमालय है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मैंने कुछ पहले डिस्कस किया था, फिर से मैं उनके बारे में बात करूंगा। मैंने दून वैलीज के बारे में बात करी थी, दून घाटियां, तो दून घाटियां क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये जो सेडिमेंट वगैरह गिरे और इसका शिवालिक का निर्माण हुआ, तो निर्माण होने के समय बीच बीच में जो है वो कई जगह पर घाटियों का निर्माण हो गया, वैलीज हो गई, तो शिवालिक के आसपास जो वैली का फॉर्मेशन हुआ। जैसे मैं बताता हूँ वैली होता क्या है, पहली चीज तो जैसे ये माउंटेन है, एक पर्वत है, तो पर्वत के बीच की ये जगह होगी ये घाटी कही जाएगी, यहाँ की ये जो जगह है ये घाटी होगी। तो ये जो घाटियां यहाँ पर हैं शिवालिक के बीच में, उन घाटियों को बोलते हैं दून वैलीज। और कुछ वैलीज बहुत फेमस है, जैसे देहरादून, कभी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, नहीं गए हैं तो जाके देखिए। फिर है आपका कोटली दून, फिर है आपका पाटली दून, ऐसे बहुत सारी यहाँ पर दून वैलीज हैं। तो जो वैलीज हैं, जो घाटियां हैं शिवालिक रीजन में, उनको दून कहा जाता है। इसके बाद आपने सुना होगा द्वार के बारे में या दुआर के बारे में, जैसे हरिद्वार। तो जो इन सेडिमेंट के फोल्डिंग के बाद, इन अवसादों की जब वलन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद जहां पर घाटियां बन गई उनको दून घाटियां कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। और जो मैदान बने बीच बीच में उनको द्वार या दुआर कहा जाता है, जैसे हरिद्वार उत्तराखंड में है, बहुत फेमस है, आपने इसके बारे में सुना होगा। तो ये इस हिमालय, शिवालिक हिमालय के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी, दो तीन पॉइंट हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया, बताया। इसको याद रखिएगा, दून वैलीज के बारे में, दुआर प्लेन्स के बारे में, और उसके बाद जो है इसकी हाइट वगैरह ध्यान में रखिएगा, प्लस इसका फॉर्मेशन जो हुआ है वो सेडिमेंट्स के थ्रू हुआ है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आप देख सकते हैं कि ये तो हमारा जो हिमालय था ये कंप्लीट हो गया। पूर्वांचल हिमालय, जिसको हमने कहा था एक अलग सेक्शन में हम करके पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पूर्वांचल हिमालय है इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। यहाँ पर आप देखिए, हिमालय ने जब यहाँ से टर्न लिया, जिसको सिंटेक्सियन बेंड बोलते हैं, एक हेयर पिन टर्न नामचा बरुआ के पास से लिया है, तो इसको पटकाई भूम बोला जाता है, यहाँ पर पटकाई भूम की पहाड़ियां हैं। फिर उसके बाद यहीं पर मिसमी हिल्स हैं, तो मिसमी, पटकाई भूम, नागा हिल्स, मिजोरम में
मिजो हिल्स मतलब अरुणाचल प्रदेश के आसपास पटकाई बूम, नागालैंड में नागा हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स, यहाँ पर मेघालय में गारो खासी और जयंतिया हिल्स हैं। तो आप देखेंगे ये सारे हिल्स हैं, ये पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है। पूर्वांचल हिमालय को हम किसी एक वीडियो में और ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट पूर्वांचल हिमालय इम्पोर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। अब हिमालय के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें देखते हैं अगली स्लाइड में। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इसको एक्चुअली क्या किया गया है, नदियों के आधार पर किया गया है। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो नदियों के आधार पर किया गया है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं कौन कौन सी नदियां हैं और किन नदी के बीच में हिमालय को क्या कहा जाता है। सो यू कैन सी हियर इट इज इंडस रिवर, ये इंडस नदी है, सिंधु नदी है, और यहाँ पर सतलुज नदी है, सिंधु और सतलुज मिल रही हैं। तो सिंधु और सतलुज के बीच में जो हिमालय है, हिमालय बिटवीन इंडस एंड सतलज इज कॉल्ड पंजाब हिमालय। इसके बीच के हिमालय को बोलते हैं पंजाब हिमालय। तो अभी आपको समझ में आ गया कि पंजाब हिमालय जो है वो किस किन नदियों के बीच में है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंधु और सतलज के बीच में है। फिर सतलज से लेकर के आप यहाँ पर देखिए काली के बीच में, यहाँ पर एक रिवर है काली, आपको दिख रही होगी, ये रिवर का नाम काली है, रिवर काली नहीं है। ओके, तो ये काली, यहाँ पर सतलज से काली के बीच में इसको बोला जाता है कुमायूं हिमालय। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, सतलज से काली के बीच में ये आपका हो गया कुमायूं हिमालय। फिर काली से लेकर के तीस्ता एक नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक, तीस्ता आप देख सकते हैं। काली से तीस्ता के बीच में है आपका नेपाल हिमालय। ठीक है, तीस्ता के बारे में पढ़िएगा, तीस्ता से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। तीस्ता एक ऐसी नदी है जिसने अपना रास्ता बदल लिया है, कहा जाता है पहले ये गंगा की सहायक नदी थी, ट्रिब्यूटरी थी, लेटर ऑन इट चेंज इट्स कोर्स एंड नाउ इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। इसको याद रखिएगा, काली से तीस्ता के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय बोला जाता है। फिर उसके बाद तीस्ता से लेकर के ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को असम हिमालय बोला जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब इन सारे में मतलब जो आपका ये नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय या कश्मीर एंड पंजाब हिमालय, इसी को कश्मीर और पंजाब हिमालय भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर इन सारे में आप देखेंगे सबसे लंबा कौन सा है, तो नेपाल हिमालय सबसे लंबा है। कितना है, लगभग बोला जाता है 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय इज एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन एन एरिया ऑफ अराउंड 800 किलोमीटर। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये हिमालय का रीजनल डिवीजन था, ये आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा इसको अगर आप याद रखेंगे तो। और ये हमने हिमालय के बारे में कुछ चीजें डिस्कस की जो मुझे लगा सबसे इम्पोर्टेंट थी। बाकी और भी चीजें अभी डिस्कस करते रहेंगे लगातार, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे, गुड लक। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।